अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। तो देश में बढ़ते तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। नौपता का आज चौथा दिन है और इस दौरान नौतपा के तीसरे दिन सोमवार को पंजाब में 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पंजाब के भटिंडा में अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री दर्ज किया गया। 21 मई को 1988 को अमृतसर का तापमान 47.7 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राजस्थान का फलोदी में 49.4 डिग्री के साथ लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म दिन रहा। इस दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 10 राज्यों की 75 जगहों का तापमान 45 डिग्री या उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया। रविवार को देश में सिर्फ 37 जगहों का तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा था। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब में 30 मई तक गर्मी का सितम बरपने की बात कही है और 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में 12 जिलों में लू का अलर्ट है। अब तक छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, तो यहां पर 31 मई तक येलो अलर्ट है। तो भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इस दौरान देश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने अधिकतम तापमान में पारा चढ़ाया। अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अजय, जिस तरह से गर्मी की बात करें तो गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्मी ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बात अगर राजस्थान की करूं तो 55 डिग्री से ज्यादा तापमान देखने को मिला। वहीं राजधानी दिल्ली में भी गर्मी का कुछ कम असर देखने को नहीं मिल रहा है, 48 डिग्री सेल्सियस तापमान। अजय, देखिए जिस तरह से इस बार गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड तो गर्मी पड़ रही है। कल की अगर बात करें तो दिल्ली का तापमान 48.8 था, यानी कि 8 डिग्री से अधिक तापमान कल था दिल्ली के अंदर। लेकिन लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, जो लोगों का जीना बड़ा मुश्किल से हो गया है। क्योंकि जो देर मजदूरी करते हैं, जो सुबह निकलते हैं मंडी जाते हैं सामान लेके, उनके निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि ऐसी तपती धूप के अंदर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, यानी कि जो तेज हवाएं चल रही है वो भी गर्म हवाएं चल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक है, यानी कि लू चलना की बीमारी करना, हजा फैलना, कई ऐसी बीमारियां हो जाती है जिससे कि लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में लगातार अभी भी स्थिति ऐसी बरकरार बनी है। अगर अभी सुबह की बात कर ले तो तापमान अभी भी 40 के आसपास पहुंच चुका है, यानी 10 बजे का समय है और 40 के आसपास डिग्री पहुंच चुका है। तो शाम तक होते होते और आज का जो तापमान है ज्यादा रहेगा। एनसीआर की बात करें या राजस्थान की बात करें, कल का भी इसी तरह हालात रहा। तो ऐसे में गर्मी से बचने के लिए मौसम विभाग ने कई गाइडलाइन जारी की है। हमेशा पानी का सेवन करें, नींबू पानी के सेवन करें या साथ में कपड़ा रखें, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो लगातार गर्मी का सरसा होता है, लगातार उसी हिसाब से कपड़ा बहुत जरूरी हो गया है। तो ऐसे में बच्चों को बचाना और बुजुर्ग को बचाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ऐसे में जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। लगातार बात करें तो दिल्ली का अभी तापमान सामान्य नहीं होगा, लेकिन अगर पता मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली के जब मौसम बदला गया तो लगातार 15 से 20 जून तक मौसम बदलने की संभावना है। यानी कि अभी 31 मई तक जो टेम्परेचर रहेगा दिल्ली का बहुत ज्यादा बदलने रहेगा, हो सकता है 50 तक, क्योंकि 48 तक दिल्ली पहुंच गया है। तो ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली की स्थिति प्रकार नहीं है। तो यानी यही माना जाए कि अभी इंतजार करना पड़ेगा और जब मॉनसून जब आने लगेगा उसके साथ थोड़ा थोड़ा लोगों को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं मथुरा में क्या स्थिति है, किस तरह से तापमान है, ये जानने के लिए एक बार मोहम्मद फारूक का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से गर्मी ने अब की बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, बीते कई सालों के रिकॉर्ड गर्मी यहाँ पर तोड़ रही है, राजस्थान में स्थिति ऐसी है कि 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है, वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें 47-48 आम बात हो गई है। मथुरा की आपसे स्थिति जानेंगे, कैसी गर्मी, कैसा गर्मी का सितम और लोगों को किस तरह की दिक्कत है। जी रिया, बिल्कुल मथुरा की स्थिति भी बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया है जिला प्रशासन ने, यहाँ पर तमाम गाइडलाइन जारी करी है और लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है। लोगों की स्थिति इतनी खराब है, लोग जो मजदूरी करने वाले लोग हैं जो निकल रहे हैं वो जो है मजदूरी कर नहीं कर पा रहे हैं। इस समय भी जो है 10 बजे 40 डिग्री से ऊपर तापमान है और यहाँ पर 47 और 48 डिग्री के बीच में तापमान लगातार चल रहा है। नौतपा जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से तापमान इतना गर्म हो गया है और लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ 60 साल का मथुरा के अंदर रिकॉर्ड टूट गया है। लाखों श्रद्धालु बाहर से आते हैं यहाँ पे
मथुरा धर्म नगरी है और दर्शन करने आते हैं मथुरा वृंदावन में, और यहाँ पे तमाम श्रद्धालु बेहोश होकर गिर जाते हैं और तमाम जो है हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, उल्टी दस्त के शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हार्ट के और शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए सीएमओ ने गाइडलाइन जारी करी है, और सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि ये हार्ट के और जो शुगर के ब्लड शुगर के जो मरीज हैं वो घर से बाहर ना निकले, अगर बहुत जरूरी है तो 12 से और 3 तक तो बिल्कुल ना निकले, उसके बाद 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद घर से निकले, क्योंकि उनको हीट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई है। और कई बार देखा जा रहा है कि लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहा है, इसमें तमाम हार्ट के पेशेंट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, तो ये हीट स्ट्रोक होने की वजह से अगर कहीं भी कोई व्यक्ति आधा घंटा भी खड़ा हो जाता है ऐसी धूप में तो उसको हीट स्ट्रोक होने से कोई नहीं रोक सकता है, और उसको उल्टी दस्त की शिकायत, पेट में दर्द की शिकायत उसको शुरू हो जाती है। जब हीट स्ट्रोक होता है तो उस समय जो है आदमी को चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है और बेहोशी की हालत में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है 60 साल का रिकॉर्ड मथुरा में टूट गया है, लेकिन यहाँ पर आस्था भी भारी है लोगों का, लाखों लोगों का यहाँ पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थान और तमाम मंदिरों में आना यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हीट स्ट्रोक के शिकार भी हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा कई जगह पानी की और छाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी जो है गर्मी का सितम जो है बहुत तेजी से फैला हुआ है, और गर्मी के सितम के मारे लोग हाहाकार कर उठे हैं, यानी 60 साल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी थी जो मथुरा में। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, अब की बार गर्मी ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए हैं, हर जगह 47 या 48 डिग्री तापमान एक आम बात अब आजकल बन गया है। दिन के वक्त सितम ऐसा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो निकल रहे हैं तो उनकी हीट स्ट्रोक की वजह से तबीयत जो है यहां पर बिगड़ जा रही है। आऊंगी आपके पास एक बार अजय का, फिर से रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरह से एक तरफ गर्मी का सितम, दूसरी तरफ जिस तरह से हीट वेव्स जो चल रही हैं, खासकर बात करूं अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ये जो हीट वेव्स का सितम लगातार जारी है क्योंकि मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया था, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ तैयारियां ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना हो? देखिए रिया, अगर बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में लगातार लोगों को अपनी ही सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक ऐसी कहीं स्थिति नहीं मिली है जो लोगों को सुविधा दी गई हो, टेंट या पानी की सुविधा दी गई हो, ऐसा शायद अभी नजर नहीं आ रहा, प्रशासन इससे अभी संज्ञान नहीं ले रहा है, लेकिन स्थिति है कि लोग खुद अपनी सेवा कर रहे हैं। बता दें दिल्ली की जो गर्मी है वो लगातार कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ट्रैफिक की बात कर ले या फिर घरों में जो एसी लगी है, ऑफिसों में जो एसी लगी है, तो डबल मार हो जाती है, एक तो आसमान की मार है, दूसरी जमीनी मार है, ऐसे में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर लोग बाहर खड़े होते हैं तो एसी चलते हैं तो उनकी हीट हवा भी बाहर निकलते हैं। वहीं ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक लगातार दिल्ली में ज्यादा है क्योंकि ऑन ड्यूटी इस समय सभी ऑफिस खुले होते हैं तो लोग घर से निकलते हुए उधर जाना पड़ता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डबल मार दिल्ली में होती है। तो ऐसे प्रशासन ने अभी तक ऐसा कोई प्रशासन लगातार कोई कार्य नहीं करा, लेकिन हाँ रोडों पर पानी जरूर शिकायत किया जा रहा है जगह जगह, कुछ एरियो के अंदर एनडीएमसी तरफ से या एमसीडी की तरफ से, लेकिन जो राहत होनी चाहिए, जो बस स्टैंड हो गए, अस्पताल हो गए, ऐसी जगह सुविधाएं होती है, कुछ एनजीओ जरूर आते हैं तो लोगों को पानी पिलाते हैं, खाने पिलाते हैं, जल जीराव प्रकार करते हैं ताकि लोगों को राहत मिले, यानी पानी का छिड़काव जगह जगह हो रहा है एमसीडी की तरफ से, लेकिन और कुछ लोगों को राहत दिलाने के लिए या फिर लोगों की परेशानी दूर करने के लिए और कुछ कदम यहाँ पर प्रशासन द्वारा नहीं उठाए जा रहे, और यही वजह है कि गर्मी की मार से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है। अजय बने रहिएगा, एक बार जयपुर में क्या स्थिति है, राजस्थान की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए सीधा कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो गर्मी के सभी रिकॉर्ड जो है राजस्थान में टूट चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म राज्य राजस्थान बना हुआ है, 55 डिग्री तक तापमान राजस्थान के कुछ इलाकों में पहुंच गया, गर्मी का सितम ऐसा कि अब तक राजस्थान में एक बीएसएफ जवान समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? ये जून का महीना शुरू होने के कगार पर है, और जहां हम बात करते हैं राजस्थान का जो सबसे गर्म जो समय होता है नौतपे का होता है, आज नौतपे चौथा दिन है, जहां राजस्थान के पहले दिन से जो शुरुआत हुई थी तापमान सरहदी जिले जो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, जहां पर बीएसएफ के जवान तैनात है, आर्मी एरियाज में जहां पाकिस्तान से, वहां तापमान अभी तक निरंतर 50 डिग्री के पार ही है। हालांकि सुबह और रात के समय में
जरूर नीचे गिरता है, लेकिन जैसे दोपहर का समय होता है वहाँ अभी तापमान में 50 डिग्री से ज्यादा का तापमान है। वहीं बात करें राजधानी जयपुर समेत और राज्यों और जिलों की, तो राजस्थान के तमाम जिले अभी तक 47 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। वहीं पलौदी की बात करें और चूरू की बात करें, तो चूरू और पलौदी राजस्थान के वो जिले हैं जो सरहद पर नहीं होकर शहर के बीचों बीच है, वहां पर भी तापमान 49 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि जयपुर समेत जो अन्य जो ऐसे जिले हैं जहां पर पर्यटक और लोगों की आवाजाही होती है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, वहाँ प्रशासनिक जो अमला है वो कहीं ना कहीं गर्मी राहत पहुंचाने के लिए लोगों की जरूरत में लगा है। जहाँ सुबह से ही पानी के छिड़काव सड़कों पर किए जा रहे हैं, पेड़ों पर भी लगातार पानी के छिड़काव किया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम हुआ कि अब जहाँ जो रेड लाइट्स है वहाँ पर सड़कों पर जो छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि अभी मौसम विभाग का ये मानना है कि 4 जून तक जो मौसम है वो सामान्य बना रहेगा, ना तो तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होने ना ही कमी होगी। लेकिन कुलदीप, जिस तरह से एक तरफ गर्मी का सितम, बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ जिस तरह से हीट वेव्स चल रही हैं, और राजस्थान की खासकर बात करूं तो जो सूखी और गर्म हवा चलती है, जनता कैसे निपटे? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं ऐसे में, ताकि जनता जो है क्योंकि आमतौर पर जब ऐसी समस्या होती है तो हीट स्ट्रोक से कई सारे लोगों की जो है तबियत बिगड़ जाती है, ऐसे में क्या गाइडलाइंस मौसम विभाग की तरफ से? राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग की अगर रिपोर्ट भी देखते हैं तो ये राजस्थान में पहली बार है एक दशक के बाद कि राजस्थान में गर्मी से सबसे ज्यादा मौतें हुई है। 50 मौतें अब तक पूरे राजस्थान में मई से लेकर अब जून की शुरुआत होने वाली है, एक महीने के दरमियान 50 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। गर्मी का इस बार इस तरीके का प्रकोप रहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों और डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया है, ताकि जो पेशेंट्स अस्पताल में पहुंचे हैं उनका तुरंत इलाज किया जाए। क्योंकि राजस्थान के कई ऐसे जगह है जहाँ पर पेड़ों के नामो निशान नहीं है, सूखे इलाके हैं और जहाँ पर गर्म हवा लू के तपेड़े चलते हैं। इस बीच रोकथाम की कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग अपने काम से, जरूरी काम से बाहर निकलते हैं और वो लू और पेट में आने की वजह से बीमार हो रहे हैं। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की हाल करें तो वहाँ रोजमर्रा में 100 से 150 मरीज गर्मी और लू के मौत है। और जिलों की भी बात करें तो वहाँ के जिला मुख्यालयों पर भी लगातार मरीजों की आवाजाही लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा इस बार की गर्मी का रिकॉर्ड है ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर चुका है, एडवाइजरी खुद मुख्यमंत्री ने जारी की है कि कैसे बचाव करें, क्या क्या सुविधाएं रखें। और इस बार जो की बीएसएफ डीआईजी ने साफ तौर पर किया है कि जो बॉर्डर एरिया में बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं उनके लिए भी तमाम अलग व्यवस्थाएं की गई है। उनको ठंडी जैकेट के साथ साथ जो पहले की पानी की आपूर्ति थी वो बढ़ाई गई है, पेट्रोलिंग टाइम कम किया गया है और सेना के जवानों को गैस का टाइम ज्यादा दिया गया है, ताकि पेट्रोलिंग के दौरान किसी भी जवान की तबियत खराब ना हो। वैसे आमजन के लिए भी जो सरकारी दफ्तर है उनके समय में बदलाव की अभी मुख्यमंत्री के साथ मंत्रणा चल रही है कि जून का महीना है राजस्थान में, एक और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, उसके रोकथाम के लिए कैसे उपाय किए जाए, स्कूलों का क्या, क्योंकि जून जुलाई की शुरुआत से पहले ही 10वीं और 12वीं के स्कूलों की शुरुआत हो जाती है, क्या इस बार क्या परिवर्तन है? क्योंकि अमूलचूल राजस्थान में ये पहली बार है कि 10 सालों बाद इस तरीके की भीषण गर्मी पड़ी है, जिसमें तापमान 50 से 55। बिल्कुल कुलदीप, और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, अब की बार कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। साथ ही हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को यह भी दिखा रहे हैं कि किस साल कितने परसेंट जो है तापमान रहा, कितनी गर्मी रही। साथ ही ये भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कौन सा जो शहर है, किस शहर में कितना तापमान अब की बार देखने को मिल रहा है। मोहम्मद फारूक का रुख करूंगी। मोहम्मद फारूक, एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप, दूसरी तरफ जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में पावर कट देखने को मिलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज का संज्ञान लिया था और साफ तौर पर बिजली विभाग को निर्देश दिए थे कि अब की बार पावर कट ना हो या कम से कम हो, लेकिन अगर ग्राउंड पर बात करूं तो उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। कई सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ऐसी खबरें थी कि पावर कट जो है काफी ज्यादा हो रहा है, जिससे लोग परेशान है, ऐसे में जनता कैसे निपटे? इस बार जो है जो पावर कट है वो भी लगातार जो है हो रहा है, क्योंकि बिजली की जो कटौती है वो लगातार हो रही है, फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है हीट हो रहे हैं और ट्रांसफार्मर जो है हीट होने के बाद में उनमें आग लगने की भी संभावना होती है, क्योंकि पावर सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मरों की बढ़ाई नहीं गई है। और गर्मी के मौसम को देखते हुए हर आदमी जो है कूलर और पंखा और एसी यूज कर रहा है, और जो मीडियम क्लास के लोग हैं लगभग वो भी कूलर यूज कर रहे हैं,
क्योंकि गर्मी का ऐसा सिस्टम है, अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर छाया में खड़े हुए हैं, लेकिन सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ रही हैं और हमारा बिल्कुल पसीने से हम लोग भीग रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है ऐसी है कि आप छाया में भी खड़े हो जाएंगे, उसके बाद भी जो है इतना तापमान जो है तप रहा है कि नौ तपा जो है बिल्कुल मोहम्मद फारूक, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ ये सूखी और गर्म हवा, हीट वेव्स जिन्हें हम बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ पावर कट ने लोगों की मुश्किलें जो है और बढ़ा दी। यहाँ पर सवाल यही मोहम्मद फारूक कि आखिर जनता कैसे निपटे जब प्रशासन की तरफ से कोई खासा इंतजाम उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहे, गर्मी जहां एक तरफ बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से इंतजामों में कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल रिया, यहाँ पर जो है जो बिजली विभाग है तो उन्होंने कुछ ट्रांसफार्मरों पे कूलर से ठंडा करने के लिए व्यवस्था करी, यानी कूलर लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर के पास, तो वो कूलर जो है ठंडी हवा फेंक रहे हैं और उनको ठंडा करने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ के चीफ इंजीनियर एस के जैन से बात करी थी तो उन्होंने यही बताया था कि जो पावर कट है वो ओवरलोड की वजह से हो रहा है, बिजली की जो कट होती है, सप्लाई कम आ रही है और बिजली जो है दिन में कई बार जाना, दो दो तीन तीन घंटे बिजली नहीं आना, उससे एकदम लोग तिलमिला जाते हैं, एकदम उमस से जो है तिलमिला जाते हैं, इतनी जो भयंकर गर्मी है उससे तिलमिला जाते हैं, तो और अधिकारी जो है और कर्मचारी बिजली विभाग के फोन नहीं उठाते हैं, ये सबसे बड़ी जो है एक समस्या है और कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल मतलब यहाँ प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। मोहम्मद फारूक बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। हमारे साथ बीएस गुलियानी जुड़ चुके हैं अंबाला से। गुलियानी, जिस तरह से गर्मी की बात करें, अब की बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, खासकर पंजाब हरियाणा वाली जो बेल्ट है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, इस बेल्ट में ज्यादा हीट वेव्स का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है, इतना कि मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट इसके लिए जारी किया है। पंजाब की बात करूं तो पंजाब में किस तरह से स्थिति? देखिए रिया, अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, क्योंकि ये साथ साथ दोनों ही स्टेट पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो पारा है वो 45 डिग्री से पार हो चुका है, लेकिन एक सुख बात यहाँ पर ये है कि जो बिजली के लंबे कट हैं वो यहाँ पर नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर जो बिजली की सप्लाई है वो लगातार जारी रहती है। और इसके अलावा हीट वेव की अगर हम बात करें तो जैसे ही 11 बजते हैं साथ ही साथ ही जो बाजार है वो सूने पड़े दिखाई देते हैं और इसके साथ लोगों का जो आवागमन है वो भी काफी कम हो जाता है, काफी जिनको ज्यादा जरूरी काम है वही लोग घर से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज लोग घरों में डूब के रहते हैं। बिजली चलती रहती है, कभी एक बार छोटा मोटा कट लगता है, लेकिन बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। यानी ये बेहद सुखद खबर हरियाणा से कि पावर कट ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि गुलियानी, अगर बात करें जिस तरफ से गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, मौसम का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हीट वेव्स और गर्म हवा जो है उससे भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खासा इंतजाम ताकि लोगों को परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि बिना काम के घर से बाहर ना निकले, अंदर ही रहें, और इसके अलावा खुले में जो पेय पदार्थ मिल रहे हैं उनका सेवन ना करें, क्योंकि इसके चलते कभी भी जो हैजा नाम की बीमारी होती है वो फैल सकती है। घर में भी जो आप पीने का पानी है या वो है उसे ढांप कर रखें और पूरी तरह से जो सफाई की व्यवस्था है उसे दुरुस्त बनाए रखें। इसके अलावा प्रशासन ने ये भी कहा है कि इस मौसम में जो है हैजे की बीमारी फैलने का ज्यादा प्रकोप रहता है, क्योंकि जो खुले में फल भी खुले में जो बेचे जाते हैं काटकर उनका भी सेवन ना करें। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए प्रशासन ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, यानी गुलियानी कई तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जारी की गई है ताकि लोग जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप, ऐसे में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कई सारे क्षेत्रों में हालत ये है कि जहां गर्मी की वजह से मौतों की भी खबर है। आप बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। सीधे अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरह से मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ 3-4 दिन जो है ऐसा ही गर्मी का सितम झेलना पड़ सकता है, क्या माने कि कब से लोगों को राहत मिल सकती है? मॉनसून की बात करें, क्योंकि अब मॉनसून ही कुछ राहत भरी खबर लेकर आ सकता है, तो कितना और यहाँ पर लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? रिया, बात करें IMD के डायरेक्टर से, लोगों से बात की गई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी 31 मई तक इसी तरह स्थिति रहेगी, यानी 15-20 जून के बाद आसपास में मौसम दिल्ली का बदलेगा,
जब कुछ मानसून आएगा, केरल साइड से मानसून आएगा तो आता यहाँ दिल्ली में समय लगेगा। तो ऐसे में अभी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बात चले दिल्ली के अंदर जिस तरह से अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, क्योंकि मजदूरी करना लोगों को मजबूरी है, क्योंकि उनको काम पर निकलना है, चाहे साग सब्जी हो, चाहे सामान हो घर का, या मजदूरी करने वाले लोगों को उनको निकलना है। तो ऐसे में सरकार को संज्ञान लेना होगी। जगह जगह पानी की समस्या है दिल्ली के अंदर, इस समय बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कॉलोनियों में पानी नहीं आ रहा, टैंकों से पानी नहीं मिल पाता, तो ऐसे में कहीं राहत नहीं मिल पा रही है। तो लोग कहां से पानी पिए, क्योंकि बिना पानी के जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है दिल्ली के। और भैया अगर बात करें दिल्ली के, पानी जो सड़कों पर डाला जा रहा है, लेकिन पानी जब छिड़काव होता है तो उससे और ज्यादा हीट जमीन से निकलती है, क्योंकि जमीन भी कहीं ना तपती है, तपती जब निकलता है तो उसका और भपका बनता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है, और ऐसे में खुद को लोगों को देखना होगा कि आखिरकार हम ऐसी गर्मी निकले या ना निकले, क्योंकि अब स्वास्थ्य का खुद को ध्यान रखना होगा। लेकिन प्रशासन को जगह जगह इस तरह से कुछ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों को पानी पीने की सुविधा है, क्योंकि हर जगह पानी नहीं मिलता है। और सरकार, दिल्ली सरकार भी लगातार कहती है कि हम सुविधा देते हैं, लेकिन प्याऊ कहीं नहीं लगाए नजर आते, ना ही कहीं पेयजल की समस्या देखने को मिल रही है। बिल्कुल रिया, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गर्मी से राहत लेना है तो कहीं ना कहीं पेयजल जरूरी है, क्योंकि प्यास लगती है, पानी का टेम्परेचर गिर जाता है, कि शरीर के अंदर पानी नहीं होगा तो कैसे वो अपनी जिंदगी जी पाएगा। तो ऐसे में लोग घर से पानी लेकर निकलते हैं, जगह जगह जो रेडी पानी होता है वहाँ पीते हैं, लेकिन वो चिल्ड होता है, क्योंकि गर्मी में अगर ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो भी वो नुकसानदायक होता है, क्योंकि शरीर के अंदर टेम्परेचर होता बदल जाता है, उससे नुकसान बुखार आना, खांसी होना या मलेरिया होना, इस टाइप की कई बीमारियां सामने आ जाती है। तो सीधा सीधा लोगों को कहा गया, मौसम विभाग ने कहा कि अभी 31 मई तक लोग अपने सेहत का खुद ख्याल रखें। बिल्कुल अजय, बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। मथुरा एक बार लिए चलते हैं लोगों को। मोहम्मद फारूक, अगर बात करें मथुरा की, जिस तरह से हम अभी बात ही कर रहे थे कि 47-48 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आम बात हो गई है, आपसे ये जानना चाहेंगे इस दौरान पेयजल आपूर्ति क्या सही से हो रही है मथुरा में, लोगों को पेयजल संबंधित दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? आपको बता दें कि जब बिजली की आपूर्ति दो दो तीन तीन घंटे जो है बंद हो जाती है, सप्लाई कट हो जाती है, तो उसके बाद पेयजल आपूर्ति भी मुश्किल हो जाती है मिलना, क्योंकि जब पेयजल बिजली मिलेगी तभी जो है पेयजल की सप्लाई हमें मिल पाएगी, तो वो ना मिल पाना जो है उसकी वजह से भी लोग परेशान हो जाते हैं। और तमाम लोग जो ट्यूबवेल और जो तमाम वो लगे हुए हैं पानी की व्यवस्था करने के लिए, तो उनसे भी जो है वहां पर भीड़ देखी गई है लोगों की, और जगह जगह लोग प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वृंदावन में, कोसी कला में, मथुरा में, बलदेव में, तमाम लोग जो है बिजली घरों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। रात में जब बिजली कट जाती है तो लोग उठकर घरों से और सीधे बिजली घर स्टेशन पहुंच जाते हैं सब स्टेशन, और वहां पर जो है इंतजार करते हैं कि सप्लाई कब आएगी, कब क्यों कट हो गई, इसकी भी जानकारी करते हैं। उधर सीधा जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो है इलेक्ट्रोल पाउडर, एनर्जाल पाउडर जो है वो सभी लोग यूज करें, क्योंकि बिल्कुल हैजा होने के एकदम चांसेस हैं, और बिल्कुल यानी डिहाइड्रेशन ना हो लोगों के जो बॉडी है उसमें पानी की कमी ना हो, तो उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम जो है करने के लिए लोगों को कहा गया है कि प्रॉपर लिक्विड डाइट ले। ऐसे में मोहम्मद फारूक, जो है प्रशासन की तरफ से हालांकि थोड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है, पूरी तरह से इंतजाम या तैयारियां नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद एक तरफ गर्मी का प्रकोप, बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ पावर कट और बढ़ती हुई पेयजल की समस्या, ऐसे में हर जगह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद फारूक आपका भी शुक्रिया, कुलदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बीएस गुलियानी आपका भी शुक्रिया, और अजय आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।